Hi, this is Bhavna and you are watching Good Returns. COVID-19 pandemic ने digital adoption को accelerate किया है. To stay competitive in market, businesses are going digital and business के digital होने के साथ साथ cyber attacks का खतरा भी बढ़ गया है. ऐसे में cyber security startups की need भी बढ़ गई है. 2018 के मुकाबले अगर comparison करके देखा जाए तो cyber security startups तेजी से बढ़ रहे हैं. तो ऐसे में आज हमारे साथ जो जुड़े हैं वो साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप के फाउंडर जुड़े हैं पंकित देसाई जो कि सीईओ हैं एंड को फाउंडर हैं. मुंबई बेस्ड ये कंपनी है. सर वेलकम टू स्टार्टअप मंत्रा. शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे शो पे बुलाने के लिए. ओके सर, सबसे पहले तो लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरटेक. तो सिक्योरटेक एक 10 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिया में शुरू हुई थी मुंबई में और आनंद और मैं इनके को फाउंडर है. आनंद जो एक सीईओ रह चुके थे सिमेंटेक करके एक कंपनी थी, यूएस हेडक्वार्टर्ड कंपनी थी, उनके इंडिया और साउथ एशिया के सीईओ रह चुके थे उन्होंने और मैंने शुरू की थी कंपनी. और इंटरेस्ट हमारा ये था कि जो मीडियम मार्केट बोलते हैं, जो कंपनी जो बहुत बड़ी नहीं और बहुत छोटी नहीं, वो जो कंपनीज है जिनकी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट शायद बड़ी कंपनियों जितनी ही होती है पर उनकी खुद की कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती कि ना तो उनके पास इतने पैसे होते हैं ना टैलेंट होती है उनको सिक्योर करने के लिए. तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाए जो एक्सक्लूसिवली इस सेगमेंट पे फोकस करे और उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल करे. तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस कंपनी को बनाया था और आज नो गॉड हैज बीन काइंड, हम 450 लोग हैं, 150 कंपनी सर्विस करते हैं यूएस, यूरोप, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में. एक अच्छी जर्नी नहीं सो फार. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कंपनीज में कौन सी ऐसी कमजोरी होती है जिसकी वजह से उन पर साइबर अटैक होता है या फिर चांसेस बढ़ जाते हैं. सिक्योरिटी के 3 बड़े पहलू हैं. एक है पीपल यानी कि लोग जो काम करते हैं, प्रोसेस मैंने कि जो आपके यहाँ जो आपने सिस्टम्स बिठाई है जिस तरीके से आप काम करते हो उसका जो प्रोसेस बनता है वो, और तीसरा होता है टेक्नोलॉजी. ये तीनों की जो वीकनेसेस होती है उसे वो हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं. जब आप लोगों की बात करते हो तो सोच के रखिए कि आपको कोई ईमेल आती है जो आपने जानी पहचानी नहीं. आजकल बहुत ईमेल्स आती है कि आपने कोई लॉटरी जीत ली है या आपने कोई सामान खरीदा हुआ है, आपको कोई ये फ्री चीज मिल रही है. और ज्यादा करके ये जो ईमेल्स आती है वो एक गलत पर्पस से आपके पास आती है. आप फिर वो लिंक को क्लिक करते हो या फाइल को ओपन करते हो और उसमें से फिर एक वायरस या कोई चीज आपके एनवायरमेंट में आ जाती है और जो आप पे फिर अटैक क्रिएट करती है. दूसरा है प्रोसेस. मैंने आपको कई बार ईमेल आता है जिस कंपनी में होता है वो सीएफओ को ईमेल आता है कि सीईओ बोलता है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे एकदम जरूरत है पैसे की और आप ट्रांसफर कर दीजिए. तो प्रोसेस ये होना चाहिए कि अगर ईमेल आई तो आप फोन से बात कर लीजिए कि भाई सही में आपने मांगे हैं कोई और मांग रहा है. तो प्रोसेस क्या बनती है आपकी सिस्टम्स में. और तीसरा है टेक्नोलॉजी जो आपने इंप्लीमेंट की है, क्यों आपने जो आपकी जो मशीन है लैपटॉप डेस्कटॉप सर्वर है उस पे आपने अच्छे से सिक्योरिटी लगाई है कि नहीं लगाई, आपके डेटा सेंटर है या क्लाउड है उसमें आपने कुछ ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया, वो सारी चीज को इनकॉर्पोरेट करोगे तब आपका एक जो एनवायरमेंट है पूरी तरह सिक्योर माना जाता है. और जब हम ये चीज मिस कर जाते हैं तो वो हैकर उसका फायदा उठा के उस पर अटैक करता है. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके मार्केट में अवेलेबल है इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक है उनसे हेल्प करने के लिए. 4 एरिया में हम मोटे मोटे तौर पर हेल्प करते हैं. सबसे जो हमारी पहली ऑफरिंग है जिसे बोलते हैं जो इंडस्ट्री वर्ड है इसको बोलते हैं XDR और जो ब्रांड नेम है Percept. सो XDR मैंने एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स. और ये करता क्या है कि जो आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या एप्लीकेशन का एनवायरमेंट है उससे कनेक्ट करता है. आपने अगर आपका खुद एक सर्वर बिठा के रखा हो कहीं पे, आपने कुछ क्लाउड पे Azure या AWS या गूगल में कहीं आपने कोई सिस्टम बिठा के रखी हो, आपके जो सारे मशीन्स हैं जो घर से काम कर रहे हो या ऑफिस से काम करते हो उससे वो कनेक्ट करता है और वो फिर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को इकट्ठा करके हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे लाता है और हम उस पर फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं. हम आपको रियल टाइम बता सकते हैं कि आपका एनवायरमेंट में अटैक कहाँ से आ रहा है, किस पे हो रहा है और मोर इम्पोर्टेंटली आपको क्या करना चाहिए इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए. तो एक ये फैसिलिटी है. दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जिसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी गवर्नेंस. होता क्या है, कंपनियों में लोग ज्वाइन करते हैं फिर उनका प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है, छोड़ के जाते हैं और जिस तरीके का उसका रोल है उसके हिसाब से आप उसे एक्सेस देते हो आपकी सिस्टम्स के, आपके प्रोसेसेस के.
तो जब ये चेंजेस होते हैं, क्या प्रमोट हो गए या ट्रांसफर हो गए या छोड़ के जा रहे हो, तो हमें एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि जो आपका नया रोल है उसके हिसाब से ही आपको एक्सेस दिया जाए, जो पुराना वाला है वो निकाल दिया जाए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली ये सब समझता है और आपको जो चाहिए उसी का एक्सेस देता है, और जो छोड़ के चले जाते हो तो उसको निकाल देता है। तीसरी कैपेबिलिटी है डिवाइस सिक्योरिटी, जैसे बोलते हैं आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप और जो सर्वर है उसको एक्सटर्नल अटैक और इंटरनल अटैक से सिक्योर करने के लिए प्रोडक्ट बनी जाती है, जिसको EDR बोलते हैं। इसका नाम है एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एंड चौथी कैपेबिलिटी है मैनेज सिक्योरिटी सर्विस, जो इस सबको इकट्ठा करके जो कस्टमर है उसको एक एंड टू एंड कवरेज देती है सिक्योरिटी की। आपकी अगर पॉलिसी बनानी है तो पॉलिसी बन जाएगी, आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है तो अवेयरनेस कर देंगे, आपकी जो टेक्नोलॉजी को रन करना है हम रन कर लेंगे। सो आइडिया ये है कि हम आपका एक एक्सटेंडेड सिक्योरिटी आर्म बन जाए, ताकि आप अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए और हम आपकी सिक्योरिटी। सर, कौन सा ऐसा सेक्टर है पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं जिसको सबसे ज्यादा थ्रेट है सिक्योरिटी को लेकर? सोच के चलिए, अगर आपको जिस चीज को खोने का सबसे ज्यादा डर है, जिस इंडस्ट्री में जो चीज सबसे ज्यादा खोने लायक है उस चीज पे सबसे ज्यादा अटैक होता है। अगर आप बैंक है तो पैसा, कस्टमर का पैसा सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है बैंक है तो RBI है तो कंप्लायंस एक दूसरी चीज है। बैंक है तो कस्टमर का डेटा है तो वो एक चीज है। तो बैंकिंग सेक्टर में ये तीन चीज पे सबसे ज्यादा अटैक होता है। अगर आप हेल्थ केयर पे हो तो हेल्थ केयर में कस्टमर का डेटा बनता है, हेल्थ केयर में आपका पेशेंट का प्राइवेसी वाला डेटा बनता है। जैसे अभी आपने देखा दिल्ली में एम्स जो थी बड़ी हॉस्पिटल, जिसपे बड़ा साइबर अटैक हुआ और आप 8-10 दिन तक वो हॉस्पिटल में काम ही नहीं हो पाया क्योंकि सारी सिस्टम्स बंद करके रख दी। सोचिए कि अगर आप अटैकर ने सिस्टम्स बंद कर दिया, जो पेशेंट्स वहां पे बैठे हैं उनको कोई अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, आप बिल नहीं बना सकते हो, आप कुछ तो प्रोसेस नहीं कर सकते हो, तो उस सेक्टर पे, तो जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा खोने का डर है उस सेक्टर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और आजकल जो देखा जाता है कि काफी होता है नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी है, यूटिलिटी कंपनी है, एनर्जी कंपनी से इन पे अटैक हो रहे हैं ताकि आप इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा कर सकते हो। ये बहुत बड़ा पहलू आकर उभरा है आजकल। आजकल जिस तरीके से इनोवेशन बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम लोग रैपिडली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हुआ है जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्होंने भी बहुत ही इनोवेटिव तरीके निकाल लिए हैं अटैक करने के, तो क्या कुछ ऐसे इनोवेटिव तरीके आपको लगते हैं कि इन दिनों साइबर क्रिमिनल्स यूज कर रहे हैं साइबर अटैक करने के लिए? तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे सिक्योरिटी में बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है, जिसके कारण आप अटैकर से बच सकते हो, उसी तरीके से अटैकर भी AI को यूज करके अपनी तरीके इम्प्रूव करता है। तो ये चूहे बिल्ली का वाला खेल है, हर हर एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है। और दूसरा चीज है कि अटैकर एक ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज करता है। एक मैंने वर्ड कॉइन किया था चाई, तो स्टैंड्स फॉर CHAI। सी अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूरियोसिटी, एच मैंने ह्यूब्रिस, ए मैंने एपथी और आई मैंने इग्नोरेंस। तो पहले ऐसा होता था कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कुछ उसकी खुफिया जानकारी का जाननी है तो उसके कंपनी के बाहर जो एक चाय का दुकान है वहां जाके बैठ जाइए, लोग चाय पीने आते हैं, कंपनी की सारी गॉसिप करते हैं और आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट शाम को जाके चाय के गले पे बैठ जाइए, सब मिल जाएगा। अब ये नया चाय जो क्यूरियोसिटी, ह्यूब्रिस, एपथी और इग्नोरेंस है, जो इंसान का एक अंदरूनी तरीका है बिहेव करने का, उसको यूज करते हैं। जैसे कि आपको कोई ईमेल आया, आपने बोला कि क्या हो गया, क्या कहां से ईमेल आया, ये मैं क्लिक कर देता हूं, मैं एकदम अनजान हूं, नाई हूं, नया टेक्नोलॉजी लेके आया हूं, मुझे कंप्लीट इग्नोरेंस है और मैं जिस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को यूज करता हूं और मुझे उसका पावर भी नहीं मालूम और उसके कारण एक अटैक हो जाता है। तो दूसरा अटैक वेक्टर बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सो अटैकर ये बहुत खूबी से यूज करते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, जिसके तहत वो आपके एनवायरमेंट में आ सकते हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा अटैक आजकल उभरा है, उसको बोलते हैं सप्लाई चेन अटैक। सप्लाई चेन अटैक का मतलब कि आपकी जो कंपनीज में जो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने किसी का सॉफ्टवेयर यूज किया, किसी का हार्डवेयर यूज किया, किसी की सर्विस यूज की, तो आजकल अटैकर उन सिस्टम्स के पीछे पड़ते हैं, उन कंपनियों के पीछे पड़ते हैं, उनको अटैक करते हैं ताकि उनके थ्रू एक ज्यादा बड़ा अटैक क्रिएट किया जाए। जैसे कंपनी की सोलर विंड्स करके US में जो बहुत यूज होती है
एक दूसरी दूसरी कंपनियों के द्वारा उनके सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए, और अटैकर ने उनको ही ब्रीच कर दिया, और जहां जहां ये सॉफ्टवेयर यूज हुआ था वो सारी कंपनीज उससे इंपैक्ट हो गई। तो ये सप्लाई चेन अटैक एक तीसरा बहुत बड़ा चीज उभर के सामने आया पिछले कुछ महीनों सालों में। सर, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट आर द मोस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज जो अभी हाल फिलहाल एग्जिस्ट करती हैं? सो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज इज दिस होल एरिया ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज वेब 3.0, जहां पे ये मेटावर्स है, AI है, VR है, IoT है, NFT है, ब्लॉकचेन है, ये एक मिलके एक नई दुनिया क्रिएट होने वाली है। जैसे 2000 के सालों में जैसे इंटरनेट शुरू हुआ मास कंजम्पशन के लिए, तो सारी कंपनीज ने अपनी फिजिकल असेट्स को इंटरनेट पे ले जाना सोचा। कम से कम एक वेबसाइट तो होना ही चाहिए, फिर वेबसाइट होना ही चाहिए से शुरू हुआ, कैन आई डू सम बिजनेस ऑन दैट, कैन आई डू कस्टमर सर्विस ऑन दैट, कैन आई डू माई एम्प्लॉय सर्विस ऑन दैट। सो धीरे धीरे करके आपकी जो काफी सारी जो प्रोसेसेस थी जो पहले एक ऑफिस में हुआ करती थी लोगों के द्वारा, वो इंटरनेट पर शिफ्ट हुई। मेरा ये मानना है कि ये कुछ सालों में ये मेटावर्स एक ऐसी जगह बन जाएगी कि जहां पे इस काफी कुछ इसमें से जो आज इंटरनेट पे है या फिजिकल ऑफिस में है वो मेटावर्स में जाएगा, और उसकी फिर एक अलग से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि मेटावर्स में आज तो एटलीस्ट ये है कि मेटावर्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग कंपनीज बनाती है, वो एक दूसरे से बात नहीं करती ठीक से, उनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस आएगी, तो वो एक प्रॉब्लम इकट्ठा करके देखेगी। उसमें कोई ओनरशिप नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। मैंने डेली हंट के नाम पे एक मेटावर्स खोल दिया और मैंने शुरू कर दिया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको साइबर स्पॉटिंग बोलते हो। आपने फिर मेटावर्स में बुलिंग होता है, मेटावर्स में कौन होते हैं। सो ये नया जो एरिया है वो एक उभर के सिक्योरिटी चैलेंज लेके आएगा, ये मेरा मानना। सर, आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बात की मेटावर्स की, बात की, इन दिनों एक चैट GPT भी काफी ज्यादा चर्चा में है, तो क्या आप उसे भी खतरा मानते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से? इतना नहीं, चैट GPT का जो जो एनवायरमेंट है फिलहाल तो एटलीस्ट यूज किया गया है नॉन इंफॉर्मेशन को ही हार्वेस्ट करने में। जी, जो अभी ऑलरेडी जैसे अगर आप अपना नाम डाल के दीजिए भावना गुप्ता डेली हंट, और आप बोलिए चैट GPT को के मुझे एक बायो बना के, एक अच्छा सा बायो बना के दे देगा आपको। आपने पूछा कि मुझे कुछ एक एग्जाम का पेपर क्लियर करना है, ये सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, तो जवाब दे देगा। उस जगह नहीं पहुंचा कि वो एक अटैक सिनेरियो क्रिएट कर सके या एक अटैकर को हेल्प कर सके, वो अभी तक तो पहुंची नहीं। पर हाँ, एक बात जरूरत है कि ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से डेटा कलेक्ट किए जा रहा है, एक पोटेंशियल खतरा बन सकता है कि अटैकर को ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या पावर मिल सकती है जो एक नॉर्मल सिस्टम फिर प्रिवेंट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए फिर आपको एक अलग किस्म के सिस्टम्स लेके आनी पड़ेगी उस तरह के अटैकों को प्रिवेंट करने। हम सब जानते हैं कि इंडिया अब स्टार्टअप्स का हब बन चुका है, और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जो काफ़ी अर्ली स्टेज में होते हैं, जो इस तरीके से जैसे आपकी कंपनी है या फिर ऐसी कुछ टीम्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं, उन्हें हायर नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि 43% जो साइबर अटैक होता है वो ज़्यादातर स्टार्टअप्स पे ही होता है, तो ऐसे स्टार्टअप्स जो अर्ली स्टेज में हायर नहीं कर सकते टीम को, उनके लिए आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे और किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं? जैसे मैंने पहले कहा, सिक्योरिटी के तीन पहलू हैं, पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो टेक्नोलॉजी सबसे आखिर में आता है। हाँ जी, आपको पीपल पे फोकस करना है। अगर आप छोटी कंपनी हो, अगर 7-8-10-15 लोगों की कंपनी है, तो आप एक तो कर ही सकते हो कि सारे 15 लोगों को आप अवेयर कराइए कि सिक्योरिटी की क्या चैलेंजेस हो सकती है, कैसे उनको बिहेव करना चाहिए। अगर कोई ईमेल अननोन सोर्स से आती तो आप क्या करोगे, क्लिक मत कीजिएगा उस पर, कोई अननोन साइट पे मत जाइएगा। अगर आप कंपनी की असेट यूज कर रहे हो तो उस पर आप अपना पर्सनल एक्टिविटी मत कीजिएगा। ये सिंपल चीजें हैं जो आप समझा सकते हो उसे। स्टैंडर्ड प्रोसेस हो सकते हैं कि भाई मेरे जो सर्वर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उसको मैं ठीक से एक तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करूँ, पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज करूँ, सारे सॉफ्टवेयर्स को मैं अपडेट करके रखूँ, एक बेयर मिनिमम में एंटीवायरस लगा के चलूँ, सारा जो मेरा डेटा है वो एक हार्ड डिस्क में बैकअप करके रख लूँ अगर मेरे पास एक बड़ी सिस्टम लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, सारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो स्ट्रॉन्ग करके रखे। सो एक बेसिक हाइजीन बनती है। अगर आप बेसिक हाइजीन भी फॉलो करोगे तो अटैकर के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि
अगर कोई आपके पीछे अटैक करने के लिए पड़ा है तो बहुत ही मुश्किल है आपको उससे बचने के लिए, ये तो एक हकीकत है। क्वेश्चन ये है कि ज्यादातर अटैकर एक रैंडम अटैक बनता है और वो जैसे हजारों कंपनियों को टारगेट करते हैं और वो देखते हैं कि अगर आपका डिफेंस ठीक ठाक है तो सोचेगा इसको छोड़ो मैं कहीं और जाता हूं, तो आपको सिर्फ उतना ही मुश्किल बनाना है किसी और के लिए कि ताकि वो किसी और पे जाए, आप पे ना। सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं वो लोग। हाँ, तो बेसिक हाइजीन फॉलो करिए पीपल के ट्रेनिंग के हिसाब से, अच्छे प्रोसेस बना के, और सिंपल सस्ती टेक्नोलॉजी, एंटीवायरस है, छोटा सा एक फायर वॉल है, ये बहुत सस्ती वाली टेक्नोलॉजी है जिसको प्यारा खर्चा नहीं होता, उतना ही कर लीजिए, आपका एनवायरमेंट काफी सिक्योर रहेगा। सर अब बात कर लेते हैं आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की, तो कैसे आपके माइंड में आइडिया आया कि आपको पर्टिकुलर साइबर सिक्योरिटी वाला ही स्टार्टअप करना है? तो एक तो हमने और आनंद ने करीब 20-22 साल इंडस्ट्री में बिता लिए थे, तो एक तो होता है ना कि अभी इतने साल किसी और के लिए काम कर लिया, चलो देखते हैं कुछ अपने पे ही कर सके कि नहीं, और जबकि एम्बिशन और एस्पिरेशन होता है पर कई बार वो मौका नहीं मिलता, तो दोनों की लाइफ में एक ऐसी जर्नी आई कि जहाँ पे जैसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट था कि ठीक है कॉर्पोरेट जर्नी का एक लॉजिकल एंड सा आ रहा था, मैं यूएस में था तभी और जो कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, हमने प्राइवेट इक्विटी बैक कंपनी के लिए काम कर रहा था, वो कंपनी हमने सक्सेसफुली टर्न अराउंड की, फिर उसको बेच दी, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है एक एक्सपीरियंस मिल गया था एक प्राइवेट इक्विटी बैक कंपनी के साथ काम करने का और एक लॉजिकल एंड सा था करियर में, तो सोचा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी था। आन के लिए भी यही था, वो सीईओ बन चुके थे और 2-3 साल वो उस रोल पे रह चुके थे, अब क्या। तो एक कई बार होता है कि जस्ट स्टार्स अलाइन एंड हम साथ में बैठ के बात कर रहे थे, लगा कि चलो ठीक है एक लॉजिकल पोजिशन है कि जहाँ पे हम सेविंग्स इतनी कर ली है कि फैमिली थोड़ी सी सिक्योर रह सकती है और हमारे पास इतना और थोड़ा सा जमा पूंजी है कि हम कुछ खोल सकते हैं। और सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि आनंद ने पिछले 8.5-10 साल जो सिक्योरटेक के पहले की जो जिंदगी बिताई थी वो सिमेंटेक में थी, सिमेंटेक ऐसे ने मैंने बताया था कि ये उस जमाने की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी थी, तो उनको बहुत ही नजदीक से ताल्लुकात रहे थे सिक्योरिटी इंडस्ट्री के साथ और उन्होंने बहुत करीब से देखा था किस तरीके से बड़ी कंपनियां काम करती है इंडस्ट्री के लिए, और हमेशा उसे लग रहा था कि इनका इंटरेस्ट सिर्फ बड़े बड़े कस्टमर्स को कैटर करने में था और जो मिड मार्केट कस्टमर्स बोलते हैं उनको शायद भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था, तो उस फिलोसॉफी को लेके और वो एक्सपीरियंस को लेके फिर हमने इस जर्नी पे चालू किया। जब आपने शुरू किया था तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आए थे और कैसे आपने डील किया था? सो तीन चार चीजें, सबसे बड़ी है कि जो अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी में क्या है, ट्रस्ट बहुत अहम जगह बनती है ना? सोच के रखिए कि आप अपने घर के ताले चाबी किसी को देना चाहते हो और थोड़ा आप हमारा ताला चाबी संभालोगे और जबकि आपको किसी ने देखा ही नहीं है, पहली बार जिंदगी में उन्होंने आपका नाम सुना है, अब वो कैसे आप पे भरोसा कर ले कि आप ये सही में कर सकते हो, तो ट्रस्ट एक बहुत बहुत बड़ा पहलू बनता है बिजनेस के लिए। दूसरा है कि इंडिया है कि सिक्योरिटी के लिए नहीं माना जाता, इंडिया एक्चुअली प्रोडक्ट के लिए भी नहीं माना जाता तभी, अभी तो फिर भी कंपनीज दिखती है, बाजार में चालू किया 2013 में, तो इंडिया में आईटी सर्विसेज का बहुत बड़ा रुतबा था और लोग बोलते थे कि हाँ इंडिया से सर्विस अच्छी आती है, पर इंडिया से प्रोडक्ट किसी ने इतना सुना नहीं था और सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं सुना था। तो दूसरा होता है कि भाई चलो अगर इजरायली कंपनी होती या यूके की कंपनी होती या यूएस की होती तो फिर भी लोग बोलते अच्छा ठीक है ये तो यूएस यूके की कंपनी है उनको सिक्योरिटी आती है। तो दूसरा है कि इंडिया वॉज नॉट नोन फॉर अ सिक्योरिटी प्लेस। तीसरा है कि हमेशा जैसे नई कंपनी को जो स्टार्ट चल जाती है रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो ये तीन चार जो चैलेंजेस थी वो थी। सोचो पहला प्रॉब्लम था ट्रस्ट का, एक तो यही था कि हमने दोनों ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काफी साल इंडस्ट्री में काम किया था तो हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स थी कस्टमर्स के साथ, एनालिसिस इकोसिस्टम के साथ, तो हमने शुरू में उन पे बैंक किया, लोग हमको जानते थे, हमने हमारी पर्सनल गुडविल लगाई और बोला कि हमको थोड़ा सा मौका दीजिए, छोटा सा काम दीजिए, हम आपको अच्छे से करके दिखाएंगे और अगर आप वो अच्छा किया तो थोड़ा बड़ा और फिर थोड़ा बड़ा ऐसा करके आप ट्रस्ट एक्वायर करो, और एक बार फिर शुरू होता है तो एक के बाद एक कस्टमर मिलते हैं। दूसरा, इंडिया इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट कंपनी, उसका तो कोई ज्यादा ऑप्शन था नहीं, बट हमने क्या किया कि पहले से ही जो हमारी पूरी स्टोरी रही थी, हमारी पूरी मैसेजिंग रही थी, वो इस चीज पे रही थी कि हम अपनी खुद की प्रोडक्ट और खुद की आईपी बनाने रहे,
और वही हमारा फोकस है। तो जो इकोसिस्टम बनानी पड़ती है, सपोर्ट इकोसिस्टम, कस्टमर एक अहम पहलू है, पर दूसरे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स है, तीसरे एनालिस्ट है, चौथा मार्केट डायनेमिक्स है, फिर पार्टनर्स है। आप इन सबको जोड़ो ताकि जब कोई सोचे आपके बारे में तो हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो अगर आपके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं तो लगता है अच्छा ठीक है, इस कंपनी ने कुछ अच्छा काम किया होगा तो ही ये लोग साथ में आएंगे। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स भी थे वो भी बड़े मशहूर इन्वेस्टर्स थे, हमारे पार्टनर्स भी वही थे, हमारे कस्टमर्स भी बड़े नाम थे। तो उसको यूज करके हमने एक माहौल क्रिएट किया कि ना ही ये कंपनी एक अच्छा काम करती है बट एक अच्छा नाम इंडिया से बना के लेके जा रही है। आपके साथ कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है साइबर अटैक का? टचवुड अभी तक तो नहीं हुआ, बट हाँ हमें इंसिडेंट के बाद बहुत सारे कस्टमर्स ने बुलाया। जब होता है, जब इंसिडेंट इन प्रोग्रेस होता है तो फिर एकदम हम स्वॉट टीम ड्रॉप करते हैं उनको हेल्प करने के लिए। अभी रिसेंटली कुछ दो हफ्ते पहले की बात है, मिड साइज केमिकल कंपनी थी, मेजर अटैक हो गया, अभी भी चल रहा है उनका इन्वेस्टिगेशन, तो तब जाते हैं हम उनको हेल्प करते हैं। और ज्यादा करके ये हेल्प हम प्रोबोनो करते हैं, हम उसका पैसा नहीं चार्ज करते। हम बेसिकली उस समय जब उनकी हालत इतनी खराब है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट देना ये हमारी फिलोसॉफी नहीं है। ये एक सर्विस बोलो या एक जस्ट अप्रोच ऑफ लाइफ बोलो, हमने ये लेके चले कि हम आपको इससे बाहर निकालते हैं, फिर अगर हमारा काम अच्छा लगा और कुछ अच्छा लगा तो आप फिर बाद में जैसे इसकी बात करेंगे, अगर नहीं भी करना है तो फिर भी चलेगा। जाहिर तौर पर सर आपका डे तो काफी बिजी रहता होगा, तो आपकी क्या कुछ हॉबीज हैं जिनके लिए आप टाइम, ये कि इसके लिए तो मैं टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा, ऐसे क्या कुछ आपकी हॉबीज हैं? मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, रात को कितने बजे भी सो जाओ सुबह मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, मैं करीब 6:30 के लिए उठ जाता हूँ। सुबह की चाय मेरी खुद बनती है, ये मेरा मी टाइम है, सुबह की चाय और न्यूज़पेपर, वो एक घंटा जो मैं उस बाहर बालकनी में झूले पे बैठ के एक अच्छा मी टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। फिर एक्सरसाइज रूटीन है मेरा, दिन का एक घंटा रोज या तो रनिंग या तो जिम जो भी है, फिर ऑफिस का कामकाज, इवनिंग टाइम विद फैमिली बच्चों के साथ, और आजकल OTT है तो कुछ OTT। आई लाइक टू रीड, आई एम अ न्यूज जंकी, तो अगर मेरा टैब्स खुले होंगे देखेंगे आपको 3-4 न्यूज चैनल्स ब्लॉग्स पोस्ट खुले होते हैं। आई लाइक टू डिवोर, मुझे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पसंद है, मैं एक हिस्ट्री बफ हूँ। एक्चुअली अभी आजकल मैं एक्सप्रेस का एक हिस्ट्री पॉडकास्ट सुन रहा हूँ अबाउट द इंडियन प्रिंसेस, सो जस्ट कीप माई सेल्फ अपडेटेड ऑन एवरीथिंग दैट्स गोइंग अराउंड, वो मेरा पैशन। सर इन्वेस्टमेंट के हम लोग बात करें तो अब तो कितनी फंडिंग आप लोग रेज कर चुके हैं और आगे आपके इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फंडिंग को लेकर, फंडिंग रेज को लेकर क्या कुछ प्लान्स हैं? अभी तक हमने 5 बिलियन रेज किए, पिछला राउंड हमने 2018-19 में किया था, अभी जस्ट शुरू किया है दूसरा प्रोसेस, अभी हम सोच रहे हैं 10-12 मिलियन कुछ रेज करने की, विच विल बी द नेक्स्ट राउंड, प्राइमरली फॉर ग्रोथ एक्सपेंशन, हम US यूरोप में एक्सपांड करना चाहते हैं, इंडिया में तो अभी डिसेंट कस्टमर बेस है और इस फंडिंग के साथ इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं। फिलहाल हम इंडिया में साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप की बात करें, इस मार्केट साइज की हम लोग बात करें तो ये पोस्ट कोविड थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे 2018 में 178 के अराउंड कुछ स्टार्टअप्स थे जो इस पर्टिकुलर फील्ड में थे, इस इंडस्ट्री में थे, लेकिन उसके बाद हम लोग देखें पोस्ट कोविड ये 2020-21 में ये अराउंड 230 के आसपास हो गए हैं। तो सर आप किस तरीके से देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो स्टार्टअप्स है उनका क्या फ्यूचर होने वाला है? बहुत ही अच्छी चीज है, मैंने इससे पहले बताया था इंडिया वॉज नॉट नोन फॉर साइबर सिक्योरिटी, तो क्या है कि कई बार हम जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में तो थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि सारी कंपनीज कोई और कंट्रीज की और आप अकेले हो, इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यू फील लोनली फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। वो चीज फंडामेंटली चेंज हो रही है, पिछले कुछ सालों में देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, हर एक ने अपनी अपनी जगह में कुछ एक नाम कमाया है, और दूसरी चीज ये है कि उनको सक्सेस भी अच्छा मिल रहा है। एक तो है कि आप चलो कंपनी खोल भी दो, आप कुछ नया प्रोडक्ट बना भी दो, एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए मार्केट से, तो मार्केट से एक्सेप्टेबिलिटी भी है, तो ना ही कोई जब आप, और काफी सारी जो कंपनीज है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रही है, तो अभी हम देख रहे हैं जब हम जाते हैं कहीं बहुत, तो जब जाता है डेलीगेशन, अभी दुबई में गया था तो 15-20 कंपनीज थी इंडिया से जो पहले नहीं जाती थी, तो अच्छी चीज है कि मार्केट तो बढ़ ही रहा है क्योंकि पोस्ट कोविड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गया, बहुत सारी टेक एक कंपनीज की
कंपनी का हिस्सा बन गए, उसके कारण फिर अटैक बढ़ गए, अटैक बढ़ गए तो फिर सिक्योरिटी चाहिए आपको। पर उसमें इंडियन कंपनीज का सॉल्यूशन में पार्ट बढ़ रहा है, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यही चाहता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जैसे अगर ये 2020 वाला दशक देख के चले 30 तक, ऐसा हो कि इंडिया से ही जो अगर इंडिया का मार्केट आई थिंक 8-9 बिलियन हो जाएगा, तब तक एटलीस्ट 40-50% शुड बी सर्विस बाय इंडियन कंपनीज, ये मेरा मानना है, तो हम बोलेंगे कि इंडिया हैज बिकम अ सिक्योरिटी हब। तो ये थी साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स की बात। अगर मैं इन जनरल आपसे इंडिया में स्टार्टअप्स के फ्यूचर की बात करूं, तो आप उसको किस तरीके से देखते हो, खासकर रिसेशन का जिस तरीके से टाइम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 में रिसेशन हिट करेगा, तो उसमें आप स्टार्टअप्स के फ्यूचर को कैसे देखते हो इन इंडिया? मेरे लिए तो शायद ये बेस्ट टाइम है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो रिसेशन का पीरियड है वही आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। सोच के चलिए, इंडिया इज अ कंस्ट्रेंड कंट्री, माने कि यहाँ पे रिसोर्सेज की इतनी कंस्ट्रेंट होती है, तो आपको उसमें छाना है, उसमें बढ़ना है। जब मार्केट में बूम 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 मनी स्पेंड होता है, इंडिया में वो पैसा नहीं आता उतना सा, तो अगर आप कंपीट कर रहे हो यूएस की कंपनी के साथ या यूरोप की कंपनी के साथ, उसके पास इतना सारा पैसा है और वो इस तरीके से वो पैसा बहाता है कि वेदर वो फिर टैलेंट के लिए हो या मार्केट डोमिनेशन के लिए हो या एक्सेस के लिए हो, आपको फिर वो क्राउड आउट कर देते हैं। जब वहां पैसा नहीं है, मैंने आप कम पैसे में जो भी किया है उसको लेके आप अच्छा काम कर सकते हो, तो एक्चुअली मेरे लिए ये तो बेस्ट टाइम है। बिकॉज मेरी जो कॉम्पिटिशन थी, जो पहले हर शोज में, हर रिसोर्सेस में, हर जगह छाए होते थे, आजकल नहीं दिखते मुझे, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी जगह है। तो और यही चीज मैं मानता हूँ कि रिसेशन इज ऑलवेज गुड फॉर स्टार्टअप, बिकॉज इट गिव्स यू टाइम टू काइंड ऑफ रीवैल्यूएट, रीपोजिशन। और जब हम थोड़े में जीना सीख चुके हैं इंडिया में, तो अपने लिए तो बड़ा या छोटा रिसेशन, और दूसरा तीसरा बात इसमें ये भी है कि जो डोमेस्टिक मार्केट अपना है वो तो है ही ना, तो वो तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो फिर भी इंडिया फिर भी 7% ग्रो करेगा ही करेगा, तो वो स्पेंड तो रहेगी रहेगी। हाँ, थोड़ा बहुत शायद अगर यूएस में आप ग्रोथ पहले 70% करें, आप 60% करोगे, पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आगे ग्रो करने वाली हैं या जिनकी बहुत ज्यादा नीड वो इन फ्यूचर बढ़ने वाली है? मेरे हिसाब से द इंडस्ट्री दैट इज राइट फॉर चेंज इज हेल्थ केयर। इंडिया में देखो, ग्लोबली देखो, हेल्थ केयर अभी भी बहुत सारा पर्सन डिपेंडेंट हेल्थ केयर है। टेक्नोलॉजी एनेबल करता है पर टेक्नोलॉजी लेड नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक ये इंडस्ट्री है, इट इज राइट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी मैं CES लास वेगस में था कुछ एक महीने पहले, और जो मैंने वहाँ टेक्नोलॉजीज देखी, जिस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, मेरा मानना है कि अगला जो 10 साल है वो हेल्थ केयर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहेगा। और उसमें जो एक्सेसिबिलिटी का नीड है, अभी आप देखो इंडिया में भी देखो, जो डॉक्टर्स हैं परसेंटेजेस हैं और पर 1000 जो डॉक्टर कवरेज है, वो आप सिटीज में देखोगे तो अच्छा है, पर जैसे जैसे आप आते हो Tier 2, Tier 3, Tier 4 और फिर रूरल में बिल्कुल कवरेज नहीं है। तो ये हेल्थ केयर में ट्रांसफॉर्मेशन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज रहेगी, तो एक एक वो सेगमेंट है। दूसरा जो सेगमेंट मेरे हिसाब से जो होगा वो फूड टेक में, फूड टेक्नोलॉजीज में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, वो मेरे हिसाब से जिस तरीके से आप देखो फैमिन्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहा है, बारिश बहुत हो रही है कहीं, साइक्लोन्स हैं, इस कंडीशन में क्रॉप एंड क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप यील्ड्स इज सिग्निफिकेंट इनोवेशन नीडेड। अभी भी स्पेसिफिकली इन इंडिया यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बहुत कम है, इसलिए अपनी एकरेज यील्ड भी बहुत कम है। तो दो जगह मुझे लगता है, फूड और हेल्थ, बाकी तो बहुत सारे सेगमेंट होंगे, पर ये तो सेगमेंट मेरे हिसाब से बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा। जब भी कोई स्टार्टअप शुरू किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इस आइडिया के साथ शुरू होता है कि स्टार्टअप को $1 बिलियन की कंपनी बनाना है, लेकिन उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि स्टार्टअप्स की ऐसी नौबत आ जाती है कि उन्हें अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो गलतियां होती हैं जिनकी वजह से एक स्टार्टअप बंद करना पड़ता है? सबसे बड़ी वजह मेरे हिसाब से ये है कि जो आइडिया है, आइडिया को हम इतना टाइम कर देते हैं परफेक्ट करने में कि वो कस्टमर तक तो पहुंचती नहीं है, और जब तक कस्टमर तक पहुंचती है तब तक वो आइडिया से जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन में इतनी सारी गैप है कि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं बनती। तो बोलते हैं जैसे इसमें कि
इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव द मोस्ट परफेक्ट प्रोडक्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। तो ये जब इंजीनियरिंग माइंडसेट से हम प्रोडक्ट बनाते हैं कि भाई उनको सारे फीचर चाहिए, सारे कैपेबिलिटी चाहिए, हम उसके बाद ही लेके जाएंगे, तो जो कस्टमर का इनपुट जो लाइफ साइकिल में शुरू में आना चाहिए वो बहुत लेट आता है, और जब वो आता है तब तक आप इतना आगे निकल चुके हो, सारे रिसोर्सेज बर्न कर चुके हो कि आप उससे वापस नहीं मुड़ सकते। तो एक बड़ा रीजन इसमें बनता है। दूसरा ये है कि हम एज एन एंटरप्रेन्योर मार्केट को एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। आप मैंने अभी आजकल मैं काफी सारी छोटी छोटी स्टार्टअप्स को मेंटर करता हूं, जब वो मार्केट के बारे में बात करते हैं तो एक बहुत रोजी पिक्चर दिखती है, बहुत बड़ा गैप है, हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं, हम पहले इंडस्ट्री में हैं। तो कई बार क्या हम एक मिसलीडिंग सा पिक्चर क्रिएट कर जाते हैं अपने लिए कि नो हम तो ये प्रोडक्ट लेके आए, हजारों कस्टमर लाइन से बैठे होंगे हमारे पीछे। ऐसा नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन, और समटाइम्स कॉम्पिटिशन इज नॉट अबाउट नॉट बाइंग, जैसे वो बोलते हैं ना कि नहीं खरीदना भी एक कॉम्पिटिशन है। तो कैसे आप वो समझो कस्टमर को, और जब तक आप वो इंटरेक्ट नहीं करोगे कस्टमर के साथ अर्ली ऑन, तो ये फेलियर करो। बाकी बहुत सारे रिसोर्सेस है, पैसे है, बहुत कुछ चीज है जो कॉज बनती है, पर मेरे हिसाब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसे बोलते हैं उसी में मार खा जाते हैं। बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? आई डोंट थिंक आई एम इन अ पोजीशन टू गिव अ स्टेटमेंट लाइक दैट, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं कि जिस तरीके से हमने जर्नी शुरू की थी, हमने कोई 100 मिलियन 1 बिलियन ऐसा कोई ताज लेके नहीं चले थे। हमने सोचा था एक अच्छा काम करेंगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इंक्रीमेंटल ग्रोथ लेंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएंगे, बाकी का जो होना होगा वो अपने आप मार्केट साथ देता जाएगा, और सिर्फ इसी पर फोकस किया हमने। हमारा आज का प्लान कल का एग्जीक्यूशन, आज का प्लान कल का एग्जीक्यूशन, हर दिन ऐसे चलते रहे। बिकॉज ये फिर ऐसा है ना कि मुझे वो $1 बिलियन जाना है, उसके लिए फिर आई टेक अ सेट ऑफ स्टेप्स, वेदर इट इज जैसा भी आजकल होता है वो, फिर इन्फ्लेटिंग द नंबर्स, फिर कुछ और गलत ट्रांजेक्शन्स, गलत पार्टनर्स, नॉट अ वेरी गुड वे टू गो, लॉस मेकिंग कंपनीज, ये हमको नहीं हजम होता है। हम बोलते हैं कि भले लंबा रास्ता होगा पर शॉर्ट शॉर्ट वाला रास्ता होगा, हम पहुंचेंगे जरूर। हमको ऐसा नहीं कि हमको 3 साल में पहुंचेंगे, हम 15 साल में चलेगा, बट जो काम करेंगे ऐसा करेंगे कि वो नाम इंडस्ट्री में बरकरार रहे। सर हाल फिलहाल सिक्योरिटी कितनी प्रॉफिटेबल कंपनी है? सो लास्ट ईयर हमने 22% एबिटा दिया। माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर स्टार्टअप मंत्रा? कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट लाइफ। इनफैक्ट हमारा बायलाइन है सिंप्लीफाई सिक्योरिटी, सिंपल चीज रखो, ज्यादा इतना सारा जो हम कई बार हमें एक्चुअली वो रिवर्स में हिट भी करता है, जब हम हमारी मैसेजिंग है हम सिक्योरिटी को भी इतना सिंपल तरीके बताते हैं कि कस्टमर को समझ में ना आए। हम ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भी नहीं यूज करना चाहते हैं कि भाई आप ये एल्गोरिथम फलाना ढिमकाना, इतना कॉम्प्लिकेट मत कर दो कि कस्टमर को कुछ समझ में ही ना आए। कीप इट सिंपल, कस्टमर भी समझे, एम्प्लॉय भी समझे, पार्टनर भी समझे और इन्वेस्टर भी समझे, बस इतना मैसेज रखो, बाकी सब चलते रहेगा ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे इस इंटरेक्शन के दौरान। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी स्टार्टअप मंत्रा के दूसरे एपिसोड में। आप बने रहिए गुड रिटर्न्स के साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।